तो अभी करते हैं चीयर्स. चीयर्स. और ब्राइटन बीच जो है उसको नेचरिस्ट बीच भी बोलते हैं. आ, आ, आ. ये ले आजा. ये लिया. थैंक यू. बोल भाग जा. अभी आपको चीखने की आवाज़ें आएंगी. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? ब्राइटन बीच. तो काफ़ी दिनों से बीच नहीं गए थे, क्योंकि जब हम इंडिया में थे तो बीच हम ज़रूर जाते थे गोवा. तो काफ़ी टाइम हो गया था कि बीच जाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए हम आ गए हैं ब्राइटन बीच, जो कि यूके का एक काफ़ी अच्छे बीचों में से एक है. हम लोग पहले जाने के लिए सोच रहे थे डर्डल डोर, बट वहाँ पे मौसम ख़राब था, वहाँ पे बारिश थी. यहाँ पे भी मौसम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट लेट्स सी कि आज का पूरा दिन कैसा रहता है. होपफुली बारिश नहीं होगी. तो चलते हैं आगे. और ये हमने यहाँ पे नोटिस किया, जैसे गोवा में फाउंटेन हाउस करके एक जगह है जहाँ पे कलरफुल हाउसेज हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा ही है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. ये एक स्ट्रीट है यहाँ पे. तो गाइस, पीछे ट्रांसजेंडर्स की कोई परेड जा रहा था, तो आज कोई ना कोई इनका इवेंट है यहाँ पर. उसमें ये लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए कुछ करेंगे. बाकी इन सारे टॉपिक्स पे मैं बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है इन सारे मुद्दों पर बोलने की. गाइस, अब हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस, जो कि यहाँ का ताजमहल है. देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं. मैं अंदर जाके अगर देखता हूँ कि पहले टिकट कितने का है, अगर और एंट्री हो रही होगी या नहीं. अगर हो रही होगी तो मैं अंदर, अगर रिकॉर्डिंग अलाउड होगा तो मैं अंदर जाऊँगा. तो हम रॉयल पवेलियन आ गए हैं, बट यहाँ पे लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी हुई है, आपको दिख ही रहा होगा. तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड है यहाँ पे अंदर जाने के लिए. आई डोंट नो कि कितना वेट करना पड़ेगा. नियर अबाउट आई थिंक 40-45 मिनट्स इज़ द वेटिंग टाइम. इतना वेट करने का कुछ फ़ायदा है नहीं. बाकी अभी आगे जाते हैं, बीच पे चलते हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं. हम आ गए हैं ये रॉयल पवेलियन के बैक साइड में, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और सब लोग वहीं पे ही वेट कर रहे थे. बेटर है बाहर बाहर से तो कम से कम देख ही लेते हैं. अच्छा तो है. गाइज, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इंडिया का ताजमहल ज़्यादा बढ़िया है या ये. बट ये छोटा है, ताजमहल बहुत ज़्यादा अच्छा है. और अंदर का ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं ताजमहल में, तो उसका कंपैरिजन नहीं है वैसे. बट ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. यहाँ पे एंट्री है £1 की.
Yeah, we can go. देखते हैं अंदर क्या क्या होगा. आई थिंक राइड्स एंड ऑल होंगी सारी चीज़ें, बट मेरे को अभी लग रही है भूख. थैंक यू. ले लिया. डोनट्स खाने. Ruti? Oh, gaming arena hai ye. Nice, nice, nice. Do you want to try your luck? How to play it? Paisa hi paisa. जो मैंने सोचा था वो नहीं है. मेरे को लग रहा था कि राइड्स वगैरह होगा, बट आई थिंक बाहर हो. बाहर चल के देखते हैं. हाँ आगे है तो कुछ. बहुत दूर है यार. बाहर से इतना लग नहीं रहा था कि इतना दूर होगा. बहुत दिनों बाद गाय देखने को मिली. व्यू अच्छा है. तो हम आ गए हैं राइड्स वाले सेक्शन में. ये वाला झूला लग रहा है डेंजर एकदम. देखते हैं कि कैसा रहेगा. ट्राई करना है यार, आज नहीं कर सकती. आज प्रतीक खुश है क्योंकि आज मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला है कि मेरे को राइड कर चाहिए. हाँ तो खुश होंगे ना. हाँ फायदा नहीं यार, राइट साइड बेकार की चीजें हैं. हॉरर होटल ये क्या है यार. टर्बो इसमें चलेंगे नेक्स्ट टाइम. हाँ काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा. तो गाइस ये है इनका पूरा चार्जेस. कौन सी राइड का कितना चार्ज है. ओह
ही आपको चीखने की आवाज़ आएंगी। आवाज़ें आ रही है मेरे को, बट मेरे को नहीं पता कि वीडियो में आप लोग सुन पाओगे या नहीं। हाँ गाइस, यहाँ पे मिल रही थी ओरियो आइसक्रीम फ्री, जो कि मेरे को मिल चुकी है। हमारे को मिल गई है फ्री आइसक्रीम। तुम्हारी कौन सी है ये? कोन? ये यार, ये कोन है मेरी, अलग तो नॉर्मल आइसक्रीम है। तो थैंक्स टू ओरियो फ्री आइसक्रीम देने के लिए। गाइस, अब हम जा रहे हैं बीच पे, और ये ब्राइटन बीच जो है ये आपका सैंड बीच नहीं है, ये आपका रॉक बीच है। तो आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग आज जो शूज़ के साथ ही आए हैं, नहीं तो बीच पे चप्पलों में ही आना पड़ता है। ये रॉक बीच है, इस वजह से इजी रहेगा चलने में। वैसे तो पत्थर ये गोल वाले पत्थर हैं, तो नंगे पैर भी चल सकते हैं। और ब्राइटन बीच जो है उसको नेचरिस्ट बीच भी बोलते हैं। आ, आ, आ। सीगल्स का हमला हो गया। बहुत सारे आ गए। गिर सकता है। तो हमने अपनी चद्दर बिछा ली है, हम बैठ गए हैं नीचे। बहुत दिनों बाद आए हो अभी। काफी टाइम बाद। लास्ट तो मैं इंडिया में ही गया था, गोवा में। लास्ट ईयर ना शायद? हाँ लास्ट ईयर, जब आई थिंक पूरे एक महीने के लिए गए थे। नहीं, उसके बाद भी एक बार गए थे। कोविड चल रहा था। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर नहीं गए। लास्ट ईयर। हाँ। कैसा लगा यहाँ का बीच? बढ़िया है, अच्छा है। पानी भी मेरे को काफ़ी साफ दिख रहा है, गंदगी नहीं है, साफ बीच है एकदम। और रेत रेत वाला भी नहीं है कि पैर में रेत घुसेगा। हाँ। ये चीज़ अच्छी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने अपनी चद्दर नॉर्मल बिछा रखी है और आराम से हम बैठ गए हैं इस पर, तो काफ़ी आराम। ये रही हमारी आज की सीट, और ये रहा हमारा व्यू। तो गाइस, अब टाइम हो गया है बियर का, क्योंकि बज रहे हैं 2:30 दोपहर के। धूप भी है, व्यू भी बढ़िया है, बस बियर की कमी है। अभी मैं बियर लेके आता हूँ, फिर बात करते हैं। आ गई है बियर और स्प्राइट। ये क्या? स्प्राइट। अच्छा। तो अभी करते हैं चीयर्स। चीयर्स। आ गई है। प्राइज रखे हुए हैं हम लोगों ने अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स हैं, तो वो लोग खाने नहीं दे रहे हैं। इसका अलग टेस्ट है। हाँ। कुछ अच्छा है। थोड़ा सा अलग लगेगा। ये सीगल ही है, ये ले आजा। ले लिया। थैंक यू, बोल भाग जा, भाग गया। Cheers. Cheers. चिल्ड पानी, चिल्ड, हालत खराब, पता नहीं कैसे जा रहे हैं लोग पानी में। बहुत ठंडा पानी है, और एक तो ये पत्थर ऐसे है ना, चुभ रहे पैरों में, खतरनाक। मेरे पैरों की ऐसी की तैसी हो गई होगी। प्रतीक, हाँ। पानी में जाने में 10 घंटे क्यों लगाए हैं? अरे भाई, और वो भी मेरा सहारा लेके। हालत खराब हो गई। अगर आप में से कोई भी ब्राइटन बीच आए, ठीक है, मेरे को नहीं पता, या तो मेरे पैर नीचे से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं,
मगर मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि पत्थरों पे चलने में चुप चुप के ऐसी की तैसी हो गई मेरे पैरों की। गोवा में क्योंकि ज़्यादातर सैंड बीचेस का ही मेरे को एक्सपीरियंस था, इजीली चल लेते हैं नंगे पैर, बट यहाँ तो हालत ख़राब हो गई मेरी चलने में। मैंने यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 10 मिनट लगाया होगा। बट बच्चों को तो मैंने देखा वो सही चल रहे थे, वो यहीं पैदा हुए हैं। कुछ तो इसी बीच क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि हम यहाँ पे मिल्टन कीन्स से कैसे पहुँचे हैं। तो मिल्टन कीन्स से हमने सुबह 9 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो मिल्टन कीन्स से सबसे पहले हम ह्यूस्टन पहुँचे, लंदन ह्यूस्टन, फिर वहाँ से हमने ट्रेन चेंज की, तो ह्यूस्टन से फिर हम विक्टोरिया लाइन से विक्टोरिया स्टेशन पहुँचे, और फिर विक्टोरिया स्टेशन से हमें एक तीसरी ट्रेन ली हमने जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ब्राइटन स्टेशन पे उतार दी है। और ब्राइटन स्टेशन से हार्डली 10 to 15 मिनट्स का वॉक है बीच तक का, और उसी वॉक के बीच में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक शॉप्स मिलेंगी, कैफ़ेज़ मिलेंगे, और सब कुछ मिलेगा, लाइक जितने भी यहाँ पे घूमने के 4-5 स्पॉट्स हैं, लाइक आपका पवेलियन है, ब्रिटिश म्यूज़ियम है यहाँ पे, एंड यहाँ पे राइड्स भी हैं। एक अभी ब्राइटन पेयर करके भी था एक यहाँ पे जो अभी आपको विजिट कराया था, तो यहाँ पे 4-5 स्पॉट्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे मुझे भी। एंड अगर किसी को यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे एक या दो दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मतलब एक रात स्टे करके, अगर किसी को बीच बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है तो आप बीच पे रुक थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं, एंड उसके बाद बाकी की जो फन एक्टिविटीज़ है या कहीं भी आपको और घूमना है तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सी लाइफ करके भी है, वहाँ पे हम अभी नहीं गए हैं, वहाँ पे भी हमारा प्लान है जाने का। तो ये हमारा पूरा आज का प्लान था, और हमें यहाँ पे लाइक ट्रेन से आने में हमारी पूरी 1.5 आवर की जर्नी थी, तो इतना हम लोगों को टाइम लगा था, बट वर्थ था। मुझे लगता है कि अच्छा स्पॉट है ये, अच्छी जगह है, तो आप भी प्लान कर सकते हैं एक या दो दिन का। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि हम यहाँ पे पहुँचे कैसे हैं, उसके अलावा यहाँ पे अभी प्रतीक करते हुए आराम प्रतीक यहाँ पे आराम करने आए हो, प्रतीक आराम करने आए हो प्रतीक की एक्चुअली बकेट लिस्ट में था कि सी साइड पे ना सोना है। आराम नहीं कर रहा हूँ, आंखों को आराम दे रहा था। आंखों को आराम ऐसे देते हैं? हाँ। आंखों बीच पे हो के आंखों को आराम ऐसे देते हैं? अभी काफी ज्यादा थकान हो गई थी यार इसलिए। ओके चलो थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ। बाकी वेदर भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बॉडी ज़्यादा टैन हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इतना भी सनी नहीं है, नॉर्मल है, अच्छा है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे बज रहा है 4:30 और बहुत ज़्यादा धूप हो गई है इस टाइम, टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। बट हमने सोचा कि जाने से पहले क्यों ना एक बार और व्यू को कैप्चर करें, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। और यहाँ पे अच्छा है, कुछ पार्टी भी होने वाली है बीच साइड पे, तो ये उसी का यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। हाँ तो अब आज का सफ़र बस इतना ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बीच पे काफ़ी कुछ चीज़ें थी कवर करने के लिए, काफ़ी चीज़ें हमने कवर करी, कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। बाकी हम आज गए थे सी लाइफ बंद मिला हमारे को, मे बी नेक्स्ट टाइम, हाँ 5 बजे तक का उसका टाइमिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो ट्राई करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। आई थिंक हमने वो 360 व्यू वाला भी कवर नहीं करा है, राइट? हाँ तो वो भी हमारा रह गया है।
हाँ अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी काफ़ी, इतने दिनों बाद एकदम जब गर्मी लगी है तो हालत ख़राब, पूरा टैन हो गया है शरीर, जितना भी टैनिंग ख़त्म हुई थी बॉडी में सब आ गई है। तो मिलते हैं, अगर किसी को यहाँ पे अगर प्लान करना है तो वो एक से दो दिन का प्लान करें कि अगर अच्छा हाँ। अगर इंजॉय करना है तो हाँ, क्योंकि हम भी एक दिन का प्लान लेके आए थे सर, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमारी कुछ चीज़ें कवर भी नहीं हो पाई हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी प्लान करेंगे तो दो दिन का ज़रूर कवर करेंगे। हाँ, जिससे कि आप दिन में बीच घूम लो, रात में आराम से आराम करो, उसके बाद में नेक्स्ट डे आप नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो। तो कोई नहीं, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।